हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकाज वर्ड ऑफ न्यूरोलॉजी में और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। आज की इस वीडियो में फिर मैं एक नए रेमेडी के साथ उपस्थित हुई हूं, जिसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक वर्ड कॉन्सेंट्रेशन के साथ। हम सबको पता है कि हम जब कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके लिए मेहनत के साथ साथ हमें कॉन्सेंट्रेट होना भी बहुत ज़रूरी है। मीन्स अपने लक्ष्य पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान थोड़ा भी भटकता है तो सफलता हमारे हाथ में आते आते रह जाती है। तो जितनी ज़रूरत मेहनत की है और उस मेहनत के साथ उतनी ही ज़रूरत कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें पड़ती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हमें सफलता जब पानी है तो उसके लिए मेहनत के साथ हमें उस लक्ष्य में कॉन्सेंट्रेट करना होता है। इस बात को हम एक छोटे से कहानी के साथ समझेंगे जो कि आप सब जानते होंगे। द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव सब लोग धनुविद्या सीखने गए थे। तो कुछ दिन रहने के बाद द्रोणाचार्य जी के मन में विचार आया, क्यों ना इनका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए, मीन्स एक छोटी सी परीक्षा ली जाए कि कितना सफल हो सकते हैं या भी उस लायक हुए हैं या नहीं। उन्होंने क्रम से सबको बुलाया और उन्होंने सबको बताया कि आज हम एक छोटी सी परीक्षा आप लोग की लेंगे। द्रोणाचार्य जी ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और बोला कि ये बताओ बस उस पेड़ पर तुम्हें क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा मुझे एक चिड़िया के साथ उसके अगल बगल पत्तियाँ और जो फूल हैं वो सब दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम अभी परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे ही क्रम से करके वो सबको बुलाए और उन्होंने सबसे यही कहा कि अभी आप लोग इस परीक्षा में पास नहीं हुए हैं, मीन्स अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने सबसे लास्ट में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से भी उन्होंने सेम क्वेश्चन किया और पूछा कि बस तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने बोला कि हमें उस पेड़ पे चिड़िया की आँख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा उसके साथ और क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, मुझे चिड़िया की आँख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य जी ने हंसते हुए कहा बस निशाना लगाओ। और अर्जुन निशाना लगाए और अपनी परीक्षा में सफल हो गए। मीन्स हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सफलता के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अर्जुन ने अपनी परीक्षा पास की, हम सबके लिए भी यही एक सबक है या हमें इस शिक्षा मिलती है कि हम अपने लक्ष्य के करीब तभी पहुंचेंगे जब हम मेहनत के साथ और एकाग्र मन से उस मेहनत को करेंगे। तो आज की मेरी ये रेमेडी इसी कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि बच्चे बहुत चंचल होते हैं। उन्हें कॉन्सेंट्रेट होने के लिए या उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ठीक हो, ये क्या करना है, वो जिस भी रूम में पढ़ाई करते हैं, जिस भी रूम में अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, वहाँ एक माँ सरस्वती की फ़ोटो होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी वे पढ़ाई करें या कुछ भी तैयारी करें तो सबसे पहले माँ सरस्वती का वंदन करें, उसके बाद चीज़ें शुरू करें। निश्चित ही बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप बच्चों से ज़रूर कहिए कि वो अपने स्टडी रूम में एक माँ सरस्वती की फ़ोटो ज़रूर लगाएं, क्योंकि एकाग्रता के लिए माँ सरस्वती को ही उसकी देवी माना गया है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक साफ थाली लेनी है, उसमें रोली और केसर मिला के गंगा जल से गाढ़ा घोल बनाना है और उस घोल से उस साफ थाली पे स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक के आगे थाली के आगे फूल और प्रसाद चढ़ा के अगरबत्ती वगैरह चढ़ा के थोड़ी देर छोड़ देना है। जब वो लेप सूख जाए, वो स्वास्तिक सूख जाए, तो उसमें वापस गंगा जल मिलाना है थोड़ा ही और पूरे घर में छिड़काव करना है और सारे जो घर के जितने सदस्य हैं उन पे छिड़काव करना है। इससे भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और ये सारी रेमेडीज़ बहुत ही असर करती हैं। आप करके ज़रूर देखिए। किसी का अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम हो या वो कॉन्सेंट्रेट करने में ही सक्षम न हो, तो उन्हें रोज़ सुबह 11 तुलसी के पत्ते के साथ मिश्री का सेवन करना है। इससे भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है और आप ये रेमेडी फॉलो करके देखिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं और आप लोग के लिए बनाती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और हाँ, मेरी सीरीज चल रही है,
प्लीज़ आप उसे भी देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।